एलएसी को लेकर भारत को चीन ने दी गीदड़ भभकी। भारत जैसा चाहता है नहीं मिलेगी वैसी सीमा, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। अगर युद्ध हुआ तो भारत की हार निश्चित, ग्लोबल टाइम्स का ये एडिटोरियल। भारत के किसी तरह के दबाव में नहीं आएगा चीन, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। इसमें नया क्या है मुझे मालूम नहीं, और ये गीदड़ भभकी हिंदुस्तान के लिए कितना मायने रखती है ये सुमित आपको बताएंगे। सुमित, देखिए दिनेश, ये कितनी मायने रखती है इसी बात से हो जाता है कि चीन लगातार पिछले 1.5 साल से अपना साई ऑफ संपर्क लगातार दिखाए जा रहा है, थोपे जा रहा है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बात ये कि भारत ने जो जो बातें कही, अब चीन को डर इस बात का है कि जिस तरीके से ओकस का क्रिएट हो गया है, लगातार भारत का जो प्रतिशत बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जो लगातार इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, इसको लेकर चीन बहुत ज्यादा चिंतित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत ने हमेशा अपनी शर्तों पर, आप देख लीजिए अभी भी जब 12 राउंड की बैठक हुई थी, भारत ने कहा था कि हमें आप PP-70 नहीं, हमें डेपसांग चौक पर भी बातचीत करनी, और डिसएंगेजमेंट होगा तो फुल डिसएंगेजमेंट होगा, कट और पीसेस के अंदर डिसएंगेजमेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो भारत ने रखी, और अब चीन ये कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ अपने अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को, बल्कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में सामने साबित करने की कोशिश करे कि देखिए हम तो भारत के सामने ना तो झुक रहे हैं और लगातार भारत के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो भारत है जो हमसे बातचीत नहीं कर रहा। लेकिन दुनिया जानती है कि पिछले साल भारत के इन जमीन पर खासतौर पर चीन ने एग्रेशन किया, चीन ने लगातार सभी ब्रीच की, और अभी भी जब बातचीत चल रही है तो उन सभी एग्रीमेंट्स को, बायलेटरल्स का ब्रीच जो है वो चीन ही कर रहा है दिनेश। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आगे किस तरह की सिचुएशन के लिए लीड कर रहा है, ये मैं समझूंगा जरा, और ये कुलकर्णी साहब से समझने के लिए जाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर दिखा देना चाहता हूं मैं। ये देख लिया आपने ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा है, और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्लानिंग है। ठंड शुरू होने से पहले सैकड़ों की घुसपैठ कराने की कोशिश है, जो अभी शंकर प्रसाद सर कह रहे थे कि इन्फिल्ट्रेशन और बढ़ेगा इससे पहले कि बर्फबारी शुरू हो। पाकिस्तान के आतंकी संगठन POK में पूरी तरह से सक्रिय, लश्कर के 10,000 आतंकी अफगानिस्तान से फ्री होकर लौटे, आधुनिक हथियारों से लैस आतंकी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार। और किस तरीके से यह घुसपैठ बड़ी तादाद में कराए जाने की कोशिश है, और उन लोगों को, जाहिर है वो दिखने में यहां के लोगों जैसे हैं। आप भारत और पाकिस्तान में अगर लोगों से मिलेंगे तो आप ये देखकर सिर्फ नहीं तय कर सकते कि वो दिखता कैसा है, और इसी बात का फायदा उठाकर खैरी सभी वो कह रहे थे कि आपके यहां के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, वहां से घुसेड़े जाते हैं लोग और फिर कह दिया जाता है ये आपके यहां के हैं। वो जिनके बारे में साबित हो जाता है कि कसाब का रहने वाला था, वो तब तक नहीं मानते जब तक आप उनके मुंह पर ले जाकर सच्चाई नहीं मार देते, मानना तो वो तब भी शुरू नहीं करते। ये बात और है कि दुनिया समझ जाती है कि एक्चुअली फिर से पाकिस्तान ने वही किया है जो इसके पहले करता रहा है। जरा देखिए ISI कैसे बेनकाब हुआ है और वो क्या करने वाला है। ये तो मैंने बता दिया कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने वाला है, लेकिन इधर देखिए ATC को टारगेट बनाने की कोशिश है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर किस तरीके से उसमें बग्स छोड़े जा सकते हैं, कैसे उसको काम करना उसका बंद हो या इंश्योर किया जा सकता है, और कैसे फिर उसके बाद किसी फ्लाइट को क्रैश कराया जा सकता है। ये एक बहुत मलेशियस डिजाइन है, ये पूरे तौर पर यहां इसका खुलासा करना भी ठीक नहीं है। केवल इसको ये समझ लीजिए कि ATC में गड़बड़ी पैदा करके किसी फ्लाइट को क्रैश करवाने का इरादा, और साथ में पावर ग्रिड जो किसी देश में कामकाज चलता रहे, इकोनॉमी के पहिए चलते रहे, उसके लिए जरूरी होती है पावर ग्रिड में गड़बड़ी पैदा करके और यहां बिजली ठप करने का प्लान। मकसद क्या है एयरप्लेन क्रैश ब्लैकआउट से, मकसद क्या है? भारत के खिलाफ यह बहुत बड़ी साजिश है। विमान सेवा पर साइबर अटैक की कोशिश है, पेन ड्राइव के जरिए सॉफ्टवेयर पर अटैक करने का प्रयास है, इसी के जरिए सिस्टम हैक करके ATC पर हमला करने की कोशिश है, ATC पर हमला करके एयरप्लेन क्रैश कराने की साजिश है। ISI ने पावर ग्रिड को भी फेल करने की प्लानिंग बनाई है, भारत में बिजली संकट और ब्लैकआउट की कोशिश है, और इस सब के जरिए कोशिश यही है कि भारत में खलबली मचाई जा सके, उथल पुथल मचाई जा सके, अनरेस्ट किया जा सके, और जिससे उनका वो मकसद पूरा हो जो उनके वजूद की वजह है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।